हेलो एवरीवन, चेयरफुल कुकिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी, आलू पालक की सब्जी। तो पनीर ना हो तो आलू डल जाता है पालक में, बहुत ही मज़ेदार सी ये बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें मैंने डाला है तीन चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल में ना सब्जी बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है और एक डिफरेंट टेस्ट आता है। तो सरसों का तेल डालने के बाद ना सरसों के तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे, जब तक इसमें धुआं ना आ जाए थोड़ा सा। तो समझ लीजिए कि ये कच्चा तेल है, तो जब तक इस पे थोड़ा सा धुआं ऊपर ऊपर आना चालू हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा अच्छे से गर्म। तो यहाँ पे हमें को अच्छे से गरम करना है और यहाँ पे तेल हमारा गरम हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक चम्मच के करीब जीरा डाल दिया है। जीरा को जीरा जो है ना वो बहुत अच्छे से उसको सौटे करेंगे, बहुत अच्छे से भुनेंगे उसको। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज का प्याज, छोटा छोटा कट करके डाल देंगे। इसमें सब्जी में ना छोटा छोटा कट करके ही डलता है, अच्छा भी लगता है। तो ये मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, इसको हम अच्छे से भुनेंगे। इसको बहुत अच्छे से हमें सॉटे करना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। उसके पहले हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। तो ये बहुत अच्छे से इसको सॉटे करना है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा पिंकिश पिंकिश हो गया है हमारा ये जो अनियन है। उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे एक चम्मच के करीब। मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया था, आप चाहे तो इसको हाथ से भी चॉप कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी अच्छे से हम सॉटे करेंगे। इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, इसको पूरी इसकी जो कच्ची कच्ची महक है वो निकल जाए तब तक इसको भूनते रहेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है आलू, दो आलू लिए हैं मैंने मीडियम साइज के। ये आलू मेरे ना कलर अलग अलग है, एक येलो है एक वाइट है, तो ऐसा मेरे पास पड़े हुए थे तो दोनों का कलर चेंज ही है। तो ये मैंने दो आलू लिए थे मीडियम साइज के, क्यूब कट कर लिए थे मैंने, इसमें ऐड कर दिए हैं। उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक, जितना भी आपको सॉल्ट पसंद है नमक पसंद है उसमें ऐड कर दें। उसके बाद मैंने एक चम्मच के करीब इसमें ले लिया है धनिया पाउडर, और साथ ही में मैंने डाल दिया है इसमें एक छोटी चम्मच के करीब मैंने इसमें हल्दी डाली है, और एक छोटी चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला डाला है, और साथ ही में मैंने इसमें डाल दी है कश्मीरी रेड चिली। ये कलर वाली मिर्च है, इससे सिर्फ कलर ही आता है, ये तीखी नहीं होती। और साथ ही में मैंने 1/4 के करीब इसमें डाल दी है काली मिर्च, ये ऑप्शनल है। काली मिर्च से वैसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मैं इसे जरूर ऐड करती हूँ। तो ये अच्छे से मैंने इसको मसाले को मिक्स कर दिया है आलू में। अभी आलू को थोड़ी देर हम पकने देंगे, थोड़े से सॉफ्ट होंगे, उसके बाद ही हम इसमें पालक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप के करीब ले लिया है पानी। पानी मैंने थोड़ा सा 1/4 के कप करीब डाला है, ताकि वो मसाले जो है ना वो नीचे लग जाते हैं ना, तो इसमें पानी थोड़ा सा ऐड किया है मैंने। साथ ही में मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया है चॉप करके, तो इसको टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये आलू के साथ ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर आलू पक चुके हैं, 5 मिनट के करीब मैंने पकाए थे, और अब इसमें मैंने डाल दी है पालक। पालक मैंने धो ली थी, यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब पालक लिए, यहाँ पे मैंने कट कर ली थी मैंने पालक, तो ये मैंने वॉश करके इसमें पालक ऐड कर दी है। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे पालक को। पालक को मिक्स करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये पालक आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब इसको ढक करके रख देंगे और इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। और जब तक ये अच्छे से कुक हो जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी और अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे, तो आप इसको खोल के देखेंगे, ये हमारी बहुत अच्छे से पालक मिक्स हो चुकी है। पालक अच्छे से आलू में मिक्स हो गई है, मसाले और में ये मिक्स हो रेडी गई हो है, गई है। सॉफ्ट अगर भी हो वीडियो गई है, पसंद पालक आती का है कलर प्लीज भी लाइक चेंज हो करना, चुका है। शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।